नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले देख रहे थे आज की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। एशिया का सबसे बड़ा कचरा घर सीएनजी से बनने वाला यह प्लांट होगा, 550 टन कचरे का हर रोज निपटारा होगा। बीजेपी ने चौथे चरण के चुनाव के लिए यूपी में झोंकी ताकत, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज लखनऊ और गोंडा में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुल्तानपुर और अमेठी में करेंगे जनसभा, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ रैली, बांदा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। लखनऊ कैंट में भी अमित शाह करेंगे चुनावी जनसभा, बीजेपी कैंडिडेट ब्रजेश पाठक के समर्थन में लोगों से मांगेंगे समर्थन। सीएम योगी आदित्यनाथ आज धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में होगा सीएम का संबोधन। अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच कराएगी केंद्र सरकार, सीएम चन्नी के पत्र का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में जमकर भिड़ंत, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का लगाया आरोप, अभय सिंह गिरफ्तार। इस मामले में पुलिस ने सपा उम्मीदवार अभय सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सुबह 4 बजे ही उनके घर से उनको गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत विरोधी पाकिस्तान एजेंट के ट्वीट को रीट्वीट किया, कुवैत दूतावास ने दी नसीहत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,016 नए मामले सामने आए, इस दौरान 325 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 7,780 नए मामले और 61 लोगों की मौत, राज्य में कोरोना से अब तक 63,529 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,068 नए मामले सामने आए, 15 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 888 नए मामले, 2 लोगों की मौत और एमपी में अब तक 10,711 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के 842 नए मरीज आए सामने, 5 की मौत, अब तक 20 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं यहां पर। दिल्ली में लगातार घट रही कोरोना मरीजों की संख्या, बीते 24 घंटे में कोरोना के 607 मामले सामने आए, 4 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 1,233 नए मामले सामने आए, इस समय दौरान 6 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 617 नए मामले सामने आए, 10 मरीजों की मौत, राज्य में अब तक 12 लाख से ज्यादा सामने मामले आ चुके हैं। कांग्रेस 21 फरवरी को यूपी में निकालेगी शक्ति यात्रा, महिला सशक्तिकरण, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज करेगी बुलंद। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच बांदा में पुलिस ने पकड़े 31 अवैध तमंचे, ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई कार्रवाई, 4 बदमाश गिरफ्तार। शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। देश में गोल्ड रिजर्व में 95.2 करोड़ डॉलर का इजाफा, विदेशी मुद्रा भंडार में भी 1.7 अरब डॉलर की आई गिरावट। मार्च के अंत तक सरकार ला सकती है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉप पॉलिसी, टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी। कृषि कामगारों और देहाती मजदूरों के लिए बढ़ी महंगाई, खाद्य कीमतों में 5.49% की तेजी। गर्मियों के दौरान नहीं होगी पावर प्लांट में कोयले की किल्लत, कोल इंडिया मार्च से बढ़ाएगी उत्पादन। देश में SUV सेगमेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है, बिक्री में 34% इजाफा। सेबी का नया प्रस्ताव, अब महंगे प्राइस पर IPO नहीं लॉन्च कर पाएंगे घाटे वाली कंपनियां। गोदरेज प्रॉपर्टीज के आवास में परियोजनाओं का बंपर डिमांड, पिछले 3 साल में 70 से 90 करोड़ डॉलर का किया निवेश। इंडिगो के डायरेक्टर राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से दिया इस्तीफा, कंपनी में हिस्सेदारी कम होने इस्तीफे की वजह।
परमाणु मिसाइलों से रूस करेगा सैन्य अभ्यास। पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी रहेंगे मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया नया सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल। ऐप की शुरुआती वर्जन में 500 से ज्यादा लोग जुड़े। आयोनियन सागर में इटली के पानी के जहाज में आग लगी है। 11 लोग लापता, 2 लोग जहाज में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में जोरदार कार में धमाका हुआ है। फिलहाल किसी का हताहत होने की खबर नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक शुरू हो चुका है पुतिन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। यूक्रेन के अशांत पूर्वी हिस्से में सीमा पर भारी गोलीबारी। जीपीएस का सिग्नल जाम होने पर भटके ड्रोन और मोबाइल नेटवर्क भी उड़ा। रूस यूक्रेन में बड़े युद्ध की संभावना। अमेरिका ने कहा रूस ने 1,90,000 सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया है। यूक्रेन में तनाव के बीच पोलैंड के सैन्य आधुनिकीकरण में जुटा है अमेरिका। पोलैंड के साथ $6 बिलियन अम्ब्रोस टैंक डील को अमेरिका ने मंजूरी दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रूस को चेतावनी। बोली यूक्रेन मामले का राजनयिक समाधान चाहता है तो रूस गंभीर हो जाए। यूक्रेन से तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों को बातचीत का निमंत्रण दिया है और शांति प्रक्रिया को लागू करे रखने का आह्वान किया। ओमिक्रॉन के मामले में आ रही है कमी। WHO ने सब वेरिएंट BA.2 को लेकर चेतावनी जारी की। दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 8 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे। रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले बिहार के सकीबुल गनी ने 13 शतक ठोक दिया है। फर्स्ट क्लास मैच में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। अंडर-19 वर्ल्ड कप के हीरो ऋषांत संधु का रणजी में डेब्यू में धमाल कर दिया है। त्रिपुरा के खिलाफ 11 गेंद में ठोके 46 रन, शतक से चूके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड से मिली हार। मेजबान को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को लगातार चौथे T20 मैच में हराया। जीत के हीरो रहे ग्लेन मैक्सवेल, 39 गेंदों में बनाए नाबाद 48 रन। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट एक्टर्स की गुंडई आई बाहर। फिल्म बच्चन पांडे में तबाही मचाने को तैयार। फिल्म भीमला नायक की पूरी स्टारकास्ट को फीस का खुलासा हो गया है। पवन कल्याण ने लूटी मलाई। अफसाना खान की हल्दी में अक्षरा सिंह, डोनाल्ड विस्ट ने जमाया रंग। स्टार कपल की हल्दी की रस्म की तस्वीर सामने आई। मीना कुमारी, कमाल अमरोही की बायोपिक के लिए कास्टिंग में आ रही दिक्कतें। किरदार के सिलेक्शन बेहद मुश्किल। अनदेखी के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज किया गया है। 4 मार्च से OTT पर स्ट्रीम होगा।